शीट नंबर 8 है, उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है, वी की वैल्यू पता है ड्रॉप की, 27 ड्रॉप कंबाइन हो रहे हैं, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, इसमें शॉर्टकट करवाया था एन रेज टू पावर 2/3 इंटू वी वाला, तो ये होमवर्क है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक पैरल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट का एरिया 100 है, दूसरे पैरल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट का एरिया 500 है, चार्ज इन पे सेम है और पोटेंशियल भी इन पे सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई चार्ज सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो कैपेसिटेंस भी सेम है, तो सी की वैल्यू भी दोनों की सेम है। अगर प्लेट्स में डिफरेंस पहले कैपेसिटर का 0.5 है तो दूसरे कैपेसिटर का आपको डिफरेंस निकालना है। पैरल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D1, एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D2, तो आपको सारी वैल्यूज गिवन है, इक्वेट करके D2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये हिंट दे रहा हूँ, करना आपने है, बट समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, ठीक है यहाँ तक तो बस उतार दो, ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 के बाद जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर सिंपल एक चीज़ गिवन है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका इनर रेडियस 12 है, यानी कि ए की वैल्यू 12 है और आउटर रेडियस बी की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। आउटर को हमने अर्थ कर दिया और इनर को हमने चार्ज दे दिया कितना, 2.5 माइक्रो कूलम। तो ये बताओ, एक स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने किया था कितना, एप्सिलॉन नॉट ए, नहीं एप्सिलॉन नॉट ए कितना था वो, बी माइनस, नहीं नहीं चेक करना, एप्सिलॉन नॉट इनटू, नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यार फॉर्मूला दिमाग से निकल गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, चेक करो, ठीक है, ए और बी आपको गिवन है। प्रॉब्लम ये है कि इसको भर दिया गया किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, हमने रिजल्ट किया था, अगर हम किसी भी कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से भर दें तो हमारा रिजल्ट कितने टाइम हो जाता है, के टाइम आंसर, ये पहला आंसर आएगा। और ए और बी को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, इनर स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वो चार्ज अपॉन सी होगा, क्योंकि चार्ज गिवन है, सी हमने निकाल लिया, डिवाइड करके भी आ जाएगा, डन। और ऐसी लास्ट है, कंपेयर द कैपेसिटेंस विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12। जो आइसोलेटेड स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस हमने की थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो कंपेयर का मतलब इस कैपेसिटेंस को इस कैपेसिटेंस से क्या कर लेना है, डिवाइड, तो आंसर 416 आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे ये फॉर्मूलाज लगाने हैं। बाकी इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो सीरीज और पैरल के क्वेश्चन हैं, जो आज हमने किए उससे काफ़ी ईजी है रादर। जैसे अगर आप फिगर देख भी लें तो फिगर में कुछ नहीं है, ये सीरीज है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, पैरेलल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, सिंपल है। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट्स में से कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं वो लिस्ट बना के दूंगा, आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम उन क्वेश्चन को करके आएंगे, उसके सिर्फ डाउट होंगे, सिंपल क्वेश्चन हैं, आपको करके आने हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।